जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। अब गर्मियाँ आई हैं तो कच्चे आमों की तो बाहर आई हुई नहीं, और कच्चे आम देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए आज हम इसी कच्चे आम से बनाएंगे चटपटी सी खट्टी मीठी चटनी, या फिर इसको आम का छुंदा भी कह सकते हैं, या फिर आम का खट्टा मीठा अचार। बहुत ही अलग अलग तरह के नामों से जानते हैं इसे लोग, पर खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा आपके इसके। चलिए बनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, इससे रेसिपी और भी अच्छी बनेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर कर लेना। तो इसके मैंने एक बड़ा सा आम ले लिया कच्चा वाला। आप चाहे तो तोता पूरी आम आता है ना, वो ले सकते हैं, या फिर देसी आम भी ले सकते हैं। पर आम अगर आप कम खट्टा वाला लेंगे ना, तो उसमें शक्कर या गुड़ जो भी हम लेंगे वो कम लगेगा। अगर देसी आम ले रहे हैं तो उसमें इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप जो चाहे ले सकते हैं। इसके लिए आम को मैंने अच्छे से धोकर छील लिया था। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। और जो इसमें बड़े वाले होल होते हैं ना, उसमें कद्दूकस करना है, जिससे कि इसके अच्छे बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह से अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। देखिए आम पूरा अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। मैं इसका वेट करके बताती हूँ आपको, क्योंकि हमें इसी के बराबर इसमें शक्कर या फिर गुड़ डालना है। तो इसको वेट करना जरूरी है, या फिर आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं किसी कप या कटोरी से नाप कर। इसको इस तरह से मैंने वेइंग मशीन में रख दिया एक बाउल में। तो ये लगभग 320 ग्राम के बराबर है छीलने के बाद और गुठली निकालने के बाद। तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेना है। अब इसी बाउल में रखकर हम शक्कर ले लेंगे आधी, और आधा गुड़, या फिर आप पूरी शक्कर या पूरा गुड़ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आधा कप के बराबर शक्कर ले ली है, लगभग एक कटोरी है ये, और एक आधी कटोरी या 1/3 कप के बराबर गुड़, या फिर और भी कम ही, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया इसे, लगभग 200 ग्राम के बराबर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसको बराबर ले सकते हैं आम के। तब इन सबको मैं आम में मिला लेना है शक्कर और गुड़ को, जिससे क्या होगा ना, ये अच्छे से गल जाएगी और इसको बनाना और भी आसान होगा। और यहाँ गुड़ के बड़े बड़े ढेले हों तो इसे हाथ से मसल कर तोड़ लेना। अब मेरे पास जो गुड़ था वो सॉफ्ट वाला था, तो ईजिली इस तरह से इसे मैं मैश कर सकती हूँ। अगर आपके पास गुड़ थोड़ा हार्ड वाला हो तो उसको आप पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसमें गुड़ और शक्कर मिलाकर रखने से क्या होगा ना, वो ईजिली मेल्ट हो जाएगी और इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर आपको तुरंत बनाना था, आप इसे तुरंत भी बना सकते हो, पर इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो आप इसको इस तरह से मिलाकर और ढककर रख दीजिए आधे से एक घंटे के लिए। तो इसको हम रख देते हैं। अब देखिए थोड़ी देर बाद ही इसमें इस तरह से पानी छोड़ देगा, जो हमारी गुड़ और शक्कर थी ना वो अच्छे से घुल चुकी है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और इसके लिए कढ़ाई में डाल देंगे इसे। अब स्टार्टिंग में इसे क्या करना है, गैस की फ्लेम को हमें फुल कर देना है, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। जब तक ये अच्छे से बॉयल ना होने लग जाए, हमें इसको फुल गैस पर इस तरह से चलाते रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जल्दी से गर्म हो जाएगा। जब ये अच्छे से बॉयल होने लग जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। फिर इसको धीमी आंच पर ही हमें इसकी चाशनी बनानी। देखिए अच्छे से बॉयल होने लग गया, तो ये गैस मैंने कम कर दी है। अब आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा दो दो तीन तीन मिनट में। अभी यहाँ आधी चम्मच के करीब मैंने काला नमक ले लिया है, आधी छोटी चम्मच, और उतना ही मैंने नॉर्मल नमक ले लिया, आधी छोटी चम्मच, ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डाल दें 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी, इससे इसका अच्छा कलर आ जाएगा। तो इसको बस इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि नीचे लगे ना। तो यहाँ हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, और आधी छोटी चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद हो थोड़ी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या फिर कम भी कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना, चलाते रहना बीच बीच में। देखिए अच्छे से गाढ़ा होने लग गया, उसकी अच्छी चाशनी भी बनने लग गई है। इसको थोड़ी सी देर और लगेगी बनने में, तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो इसको बीच बीच में चलाते रहना बस, और गैस की आंच को कम ही रखना। भैया आधी छोटी चम्मच के बराबर जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच के बराबर मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच के बराबर राई, या तो आप पीली ले लीजिए सरसों, या फिर पीली वाली ब्लैक वाली जो आती है काली सरसों वो, 1 छोटी चम्मच तिल, और अगर आपके पास कलौंजी रखी है तो 1 छोटी चम्मच वो भी ले सकते हैं। बेसिकली पंचफोरन लेना है हमें बराबर मात्रा में, मेथी थोड़ी कम रखना। इसको अच्छे से हमें भून लेना है हल्का सा, जब तक इसमें की खुशबू ना आने लग जाए,
ज़्यादा नहीं भुनना है, तो हल्का सा भुनने के बाद गैस को कर देनी है ऑफ। और जब ये ठंडा हो जाए, इसके लिए हम एक इसको प्लेट में डाल देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो हमें इसे दरदरा कूट लेना है। बेसिकली इसका दरदरा पाउडर बनाना है, हमें एकदम बारीक पाउडर नहीं करना है। तो आप इसको इस तरह से कूट सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे पीस लेना, पर थोड़ा सा दरदरा ही रखना। देखिए इस तरह से इसका अच्छा पाउडर बन चुका है। अब इसको हम डाल देंगे अपने छुंदे में या फिर अचार। इसको डालने से इसमें एक अचार का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, तो आप इसको अचार भी बोल सकते हैं। और ये सालों साल ख़राब नहीं होता है, बस इसको अच्छे से एयर टाइट डब्बे में रखना तो ये 1 से 2 साल तक तो आराम से चलेगा। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हो तो ये आराम से इसे आप रख सकते हैं। ख़राब होने की टेंशन भी नहीं, और खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है पराठे और पूड़ी के साथ। तो बनाइए और इन्जॉय करिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो देखिए ठंडा हो गया अच्छे से ये। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी इसको किसी कंटेनर में या जार में रखना, और हो सके तो कांच के या फिर चीनी मिट्टी के जार में रखना, जिससे कि ये इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और 1 से 2 साल तक आराम से चलेगा। अगर प्लास्टिक के डब्बे में रखोगे तो थोड़ा कलर चेंज हो सकता है, तो हो सके तो कांच के जार में या इस तरह से चीनी मिट्टी के जार में भी रख सकते हैं। बस इसका ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो ये ड्राई हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। लग रही है ना यम्मी सी रेसिपी? आप चाहते इसे जैम की तरह भी खा सकते हो या फिर ऐसे ही खा लोगे तो भी बहुत टेस्टी लगती है।